किसानों को प्याज रुला रहा है। मंडियों पर किसान परेशान हो रहा है। सीहोर में समर्थन मूल्य पर प्याज बेचने आ रहे किसानों की अच्छी खासी फजीहत हो रही है। 2 से 3 दिन में तुलवाई का नंबर आ रहा है। ऐसे में प्याज को क्वालिटी के नाम पर रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इससे किसान को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों में एक बार फिर प्याज के विक्रय को लेकर गुस्सा फूट रहा है। इस बार कांग्रेस सरकार ने किसानों को प्याज खरीदी का लॉलीपॉप दिखाकर बड़े बड़े दावे किए। समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी बड़ी जोर से शुरू हो गई की गई, लेकिन यह खरीदी केंद्रों पर कुछ और ही हकीकत है। आज प्याज की खरीदी सीहोर के किसानों के लिए फजीहत का सबब जरूर बन गई है। संतोष मीणा की रिपोर्ट, नसरुल्लागंज, आज की आवाज़। ये बताएं, क्या नाम है आपका? मौकम सिंह। ये आप प्याज मंडी में प्याज बेचने के लिए आए, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको यहाँ पे? तो बहुत दिक्कत है साहब, प्याज सारी खराब हो रही है और उसके बाद में कोई देखभाल भी नहीं यहाँ पे, और नहीं कि अगली मंडी करते हैं, पर्ची करते भी नहीं है। हमने सोचा था कि वहाँ की अच्छी मंडी चल रही है, तो हम शाजापुर जिले के गाँव से है। हम शाजापुर से आए हैं आप? हाँ, घाटकेड़ी के हैं, काला पीपल तहसील में लगता है। तो हमने सोचा चलो सीहोर चले, यहाँ है तो यहाँ तो और भी बेकार सिस्टम है, यहाँ पे कोई अच्छा नहीं है। अभी पानी में आपकी प्याज गीली हो गई? भीग गई सारी प्याज। अभी नंबर आने का कुछ आपको ठिकाना नहीं? कब आया नंबर? नहीं, वो आया था ट्राली लिखवा, तो वो बोल रहे हैं कि ना कल होगी, आज नहीं होगी तुम्हारी मंडी। कल भी हो सके तो हो जाएगी, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं। फिर इतवार आ गए। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से अच्छा दाम मिलना चाहिए। अब पैदा में इतनी परेशानी आ रही, दूर दूर से मजदूर लाते हैं, पैदा करते हैं, उनने की यहाँ तो 2 रुपये 3 रुपये, आज तो 4 रुपये बिकी बताए आखिरी लास्ट। सही भाव भी नहीं मिल पा रहा है। 2 रुपया 1 रुपया ऐसे बिकी, मतलब कुल मिला के पूरी परेशान में है पूरा किसान। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी दिखा रही है। जैसा कि देखा जा रहा है कि समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीदी की जा रही है, भाव को लेकर किसान काफ़ी परेशान है और लंबी लंबी लाइनों में लगा बड़ा परेशान चल रहा है, इसमें आप मतलब क्या परेशानी आ रही है? प्याज को लेके तो अभी वर्तमान में जो हमारा प्याज का सीजन चल रहा है, उसमें मुख्यमंत्री प्याज प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो शासन द्वारा योजना चलाई जा रही है, उसमें प्याज की खरीदी हो रही है और शासन द्वारा 800 रुपया का एक रेट फिक्स किया गया, लेकिन प्याज में 1200 रुपये से हाईएस्ट और आज के जैसे रेट रहे लगभग 1100 से 1000 के बीच, और लो में 200 रुपये प्रति क्विंटल इस भाव बिक रहा है। और खुला ऑक्शन में प्याज हो रहा है, तो व्यापारी कंपटीशन में जो भी जैसे प्याज की वैरायटी अनुसार जो भी रेट भरते हैं खुले ऑक्शन में, तो उसके अनुसार प्याज बिक रहा है। इसमें परेशानी को लेकर तो मंडी समिति की तरफ से पूरी व्यवस्थाएँ हैं, ट्रॉली जितनी शेड के अंदर लग रही है उतनी ट्रॉली हम ले रहे हैं, बराबर 100 से 125 ट्रॉली पड़ रहे हैं अंदर, और 10:30 से 5 बजे के बीच में प्याज का ऑक्शन खत्म कर रहा है। तो किसानों का आरोप है कि 2-2 दिन से वो प्याज का इंतजार कर रहा है, उनकी समय लग रहा है, बाहर कोई व्यवस्था नहीं है, पानी में अभी उनका प्याज भीग गया, इसकी क्या व्यवस्था? देखिए, हमारे प्रांगण के अंदर तो जो ट्रॉली हम एंटर कर रहे हैं उनमें शेड के नीचे ही उनको ट्रॉलियों में खड़ा करवा रहे हैं, और अब क्या है कि आवक इतनी ज़्यादा हो रही है तो प्रांगण के बाहर तो संभव नहीं है, किसान अपने पल्ली पास जो भी लेके आते हैं, और बारिश तो अभी हुई नहीं है, आज ही थोड़ा बहुत छींटा गिरा है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है।